मैं डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर बेग फोरम में आपका इस्तकबाल करता हूँ. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू एनरिच एकेडमिक एक्टिविटीज इन प्रेजेंट सिनेरियो. देखिए, कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो या कोचिंग सेंटर हो, उसमें एक सेक्शन होता है एकेडमिक सेक्शन, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो एकेडमिक एक्टिविटीज को कैसे नर्चर करे दिन ब दिन. और क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्वालिटी की कोई फिनिशिंग लाइन नहीं होती, इसीलिए हमें अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अपने एकेडमिक एक्टिविटीज़ को रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस करना पड़ता है और उसके बाद फिर उसको नर्चर करना पड़ता है. तो आज का जो ये मेरा वीडियो है, उस वीडियोज़ में हम बात करेंगे कि कैसे हम एकेडमिक एक्टिविटीज़ को नर्चर करें, इम्प्रूव करें. ठीक है, सबसे पहली बात कि जो भी एकेडमिक सेल है उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. और मैं समझता हूँ कि एक जो ऑब्जेक्टिव, जैसे स्मूथ एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम थ्रू द एकेडमिक सेशन, ये जो है ये एक बेस्ट एक ऑब्जेक्टिव है. जैसे कि बताया मैंने, जैसे आपको बताया था कि एकेडमिक एक्टिविटीज को नर्चर करना रेगुलर बेसिस पे ये हमारी जिम्मेदारी है, किसी भी इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है. तो आप शुरुआत कैसे करें कि जैसे ही सेशन सबसे पहले शुरू हो, उससे पहले पहले हमारा जो है एकेडमिक कैलेंडर बन जाना चाहिए. एकेडमिक कैलेंडर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है. एकेडमिक कैलेंडर में हम पूरे साल क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कब हमारा सेशन शुरू होगा, वेकेशंस कब होंगे, विंटर वेकेशन कब होंगे, समर वेकेशन कब होंगे, सेमेस्टर एग्जाम्स कब होंगे, हमारे क्लास टेस्ट कब होंगे, उसके साथ डिफरेंट सेलिब्रेट हम कैसे करेंगे, साइंस एग्जीबिशन है या जिसमें इवेंट्स हैं, इंजीनियर्स डे है, इस तरह की कौन से इवेंट्स को हम किस तरह सेलिब्रेट करेंगे, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. और अगर एक बार वो बन जाता है, उस बनने के बाद फिर हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें करेंगे, तो जाहिर सी बात है एकेडमिक एक्टिविटीज़ का इम्प्रूवमेंट होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एकेडमिक कैलेंडर बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए और जो हम चीज़ बनाएं और उसके उसको जो है बहुत ही उस पर रिजिड रहें, उस पर फोकस करें. मैंने देखा बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में एकेडमिक कैलेंडर जो है नहीं बनता, और अगर बनता है तो उस पर अमल नहीं आता और जिसकी वजह से उनकी एक्टिविटीज़ में वो निखार नहीं आ पाता. तो हमें कोशिश करना चाहिए एज ए एकेडमिशियन कि हम एकेडमिक कैलेंडर बनाएं. दूसरी बात जो है वो टाइम टेबल. टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम टेबल का बहुत ख्याल रखा जाए, इस बात का भी हमें ख्याल रखा जाना चाहिए. HOD की जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो जो है किस तरह का, यानी जो हार्ड सब्जेक्ट्स हैं उनको मॉर्निंग में रखा जाए, शुरुआत में रखा जाए, थोड़े से जो ईजी सब्जेक्ट्स हैं वो उसको हम जो है वो लंच के बाद रखें, प्रैक्टिकल लंच के बाद रखें, इस तरह से चीज़ों को भी हम एनालिसिस कर सकते हैं. बाकी इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि टीचिंग लोड डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इक्वल हो, उसमें हम ट्यूटोरियल क्लास, जब हम टाइम टेबल बनाएं तो उसमें ट्यूटोरियल क्लासेस का भी जिक्र हो, रेमेडियल क्लासेस का भी जिक्र हो, और हम जब एकेडमिक कैलेंडर बनाएं तो उसमें इस बात का भी हो कि कम से कम साल में या एक सेमेस्टर में हम बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट कराएं, टूर कराएं उनका. तो इससे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो वो बहुत बच्चे सीखते हैं इससे. तो मस्त कर दें इस चीज़ को. इसके बाद एजुकेशन टूर भी कराते हैं, हमें भी याद है हम अपने जो हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालीम रहा हूँ मैं, तो हर साल हमारा टूर जाता था एजुकेशन टूर, तो वो सारी यादें हमें रिकगनाइज होती हैं, उसमें हम बहुत कुछ सीखे हैं. तो क्या होता है कि ये चीज़ें जो हैं ये बच्चे के इम्पैक्ट बहुत पड़ता है और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एकेडमिक एक्टिविटी का एक पार्ट है, और इसकी बेसिस पर बच्चा बहुत कुछ सीखता है और हमारी एकेडमिक एक्टिविटी इम्प्रूव होती है. उसके साथ देखिए QIP क्वालिटी इम्प्रूव प्रोग्राम, शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो होते हैं उसको इम्प्लीमेंट कराएं अपने फैकल्टी मेंबर्स में. बीच बीच में बहुत सारे फैकल्टी रिसर्च मेथोलॉजी पर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करवाएं, इसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराएं फैकल्टी के बीच में, ये आपका अपने सबऑर्डिनेट के बीच में करवाएं, डिपार्टमेंट लेवल पर करवाएं, फैकल्टी की बेसिस पर कराएं, स्टूडेंट बेसिस पर कराएं, ये सारे प्रोग्राम्स करवाते रहें. इसके साथ साथ रेगुलर बेसिस पे हम सेमिनार्स कराएं, सिम्पोजियम कराएं, वर्कशॉप कराएं, कॉन्फ्रेंस कराएं. अगर ये सारी बातों को हम एकेडमिक कैलेंडर में पहले से मौजूद रखें तो फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, एकेडमिक एक्टिविटीज़ इसमें इम्प्रूव होती है. इसी तरह से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़रूरी है आजकल एक अलग सा इन्वायरमेंट देना. आजकल देखिए बहुत अच्छा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस MOU साइन करते हैं, हमें MOU साइन करना चाहिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, कॉलेजेस के बीच में, इंडस्ट्री के बीच में, इंस्टीट्यूशन के बीच में, ताकि फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम भी हो उसमें, फैकल्टी एक दूसरे लेक्चर्स लेने जाएँ, तो इससे एक अच्छा इन्वायरमेंट बनता है और फिर एकेडमिक एक्टिविटी इम्प्रूवमेंट होती है. उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमें इस बात का भी
बहुत ही एनालिसिस करना पड़ेगा टीचिंग मेथोलॉजी किस फील्ड टीचिंग मेथोलॉजी पे एक पर्टिकुलर फैकल्टी पढ़ा रही है डिफरेंट टाइप की टीचिंग मेथोलॉजी होती है जैसे चॉप एंड टॉप ऑफ मेथड होता है जेड टू ए अप्रोच तो हम अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स की एबिलिटी के हिसाब से टीचिंग मेथोलॉजी को चूज करें और उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और जहाँ हमें कमियाँ होती हैं उसको हम दूर करने की कोशिश करें ये इसी तरह रेगुलर बेसिस पे मॉक इंटरव्यूज करवाएं मॉक वाइवा कराएं पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करवाएं स्पेशल लेक्चर्स करवाएं साइंस एग्जीबिशन जैसे हम जानते हैं कि 28 फरवरी को फाइनल इंडिया में साइंस एग्जीबिशन साइंस डे होता है तो उसमें हम लोग बच्चों को साइंस एग्जीबिशन कराएं बच्चे वर्किंग और नॉन वर्किंग मॉडल्स बना के लेके आएँ चार्ट बना के लेके आएँ तो इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर एक बहुत इंप्रूवमेंट होगा रेगुलर बेसिस पे हम प्रेजेंटेशन कराएं पूरे टाइम टेबल में हम एक हफ्ते में एक या दो लेक्चर का एक ऐसा सेशन कर सकते हैं जिसमें हम जो है स्पेशल लेक्चर हो प्रेजेंटेशन का हो जिसमें बच्चों को प्रेजेंटेशन देना हो तो बच्चे पीपीटी बनाना सीखेंगे उनका हेजिटेशन रिमूव होगा और एक और चीज़ चार्ट प्रिपरेशन करवाएं बच्चों को क्लासरूम में जिस तरह का जो भी क्लासेस है स्कूल हो कॉलेज हो इंस्टीट्यूशन है बच्चों से चार्ट बनवाएं पूरी क्लासेस चार्ट से भरी हुई हो तो उस जैसे जो है अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो एक चार्ट ऐसा हो कि एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे फॉर्मूला मौजूद हों तो बच्चे अपने जब क्लासेस में इधर उधर देखेंगे तो वो बार बार उनकी नज़र पड़ेगी तो फॉर्मूला जो है उनके याद हो जाएंगे ये एक तरीके का ये भी हो सकता है उसी के साथ साथ हमें बच्चों की रीजनिंग एबिलिटी को भी इम्प्रूव करना है हमें बच्चों की रीडिंग एबिलिटी को भी डेवलप करना है इसके लिए हम महीने 15 दिन में एक बार एक पर्टिकुलर एक लेक्चर करवा सकते हैं जहाँ पे उनकी रीडिंग एबिलिटी इम्प्रूव हो इनकी राइटिंग एबिलिटी इम्प्रूव हो उनकी लिसनिंग एबिलिटी इम्प्रूव हो उनको जो है डेवलप करें कैसे लर्निंग एबिलिटी कैसे डेवलप करें मैथमेटिक्स एबिलिटी कैसे क्योंकि आगे का जो दौर है जब जॉब निकलती है गवर्नमेंट जॉब वो रीजनिंग का एक दौर होता है इसमें जब तक बच्चे को लिसनिंग रीडिंग हैबिट्स अच्छी नहीं होंगी मैथमेटिक्स एबिलिटी डेवलप नहीं होगी रीजनिंग वाली एबिलिटी डेवलप नहीं होगी तो वो एक जो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा कॉम्पिटिशन में तो इसलिए हम इसको जीके के टेस्ट करवाएं करंट अफेयर्स करवाएं बीच में कंपटीशन करवाएं इसकी बेसिस पर जब हम करवाएंगे तो फिर हमारी एकेडमिक एक्टिविटीज है वो इम्प्रूवमेंट होगा इसी तरह से असाइनमेंट दें हम केस स्टडीज के बेसिस पे हम असाइनमेंट दें तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो ये जो सब बातें थी ये थी कि हम किसी तरह से एकेडमिक एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं मैं आपसे फिर से दोबारा दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा जो चैनल है डॉक्टर बेग फोरम इसको आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और उस पर कमेंट करें बहुत बहुत शुक्रिया